नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं डिजिटल उपाध्याय। मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने का मामला लगातार विवादों में बना हुआ है। जगह जगह से लोगों को इससे परेशानी की खबरें सामने आ रही हैं, इसीलिए इसे बैन करने की भी मांग जोर पकड़ रही है। कई जगह तो लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने के मामले पर एक्शन भी हो चुका है। इसी बीच गोवा में भी लाउड स्पीकर पर अजान देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल यह आदेश वरुण प्योलकर नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है। वरुण मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, मगर दिन में 5 बार मस्जिदों से आने वाले लाउड स्पीकर के शोर की वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे। पंडितवाड़ा में नूरानी मस्जिद, सफा मस्जिद, सुन्नी शाही मदीना मस्जिद सहित आसपास की मस्जिदों से दिन में 5 बार लाउड स्पीकर के शोर में काम करने उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ये मस्जिदें इस्लाम के अलग अलग संप्रदायों से संबंधित हैं, जिनमें शिया और सुन्नी शामिल हैं, लेकिन अशांति का स्वरूप एक ही है। इसके बाद वरुण ने अपनी जॉब बचाने और मानसिक शांति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच का रुख किया और मस्जिदों की ओर से अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 के अनुसार अपने मौलिक अधिकार का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने वरुण की शिकायत को दूर करने और 3 महीने के भीतर मामले को निपटाने के लिए एडिशनल कलेक्टर को निर्देश देते हुए रिट जारी की। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने एक शिकायत का मामला दर्ज किया गया, जो वरुण की शिकायत को सुनने और मस्जिदों से प्रतिक्रिया मांगने के बाद मस्जिदों के खिलाफ लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग नहीं करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया है। इसमें कहा गया है कि वो संबंधित अधिकारी से अनुमति लिए बिना इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि वो उन सभी मस्जिदों पर नियमित निगरानी रखे और ये सुनिश्चित करे कि वो आदेश का अनुपालन करें। बता दें कि इससे पहले मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर प्रयागराज की वीसी की चिट्ठी पर जिले के आईजी ने सख्त एक्शन लिया था। उन्होंने रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए थे। आईजी का कहना था कि पॉल्यूशन एक्ट के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके अलावा मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान को लेकर परेशानी का एक और मामला सामने आया था। यह मामला पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से जुड़ा हुआ था। यहाँ बीएचयू के एक छात्र ने बनारस पुलिस को ट्वीट कर ये शिकायत की थी कि घर के बगल में मस्जिद है और वहां से निकलने वाली आवाज से तनाव हो रहा है, जिसके बाद वाराणसी पुलिस ने बकायदा इस पर रिप्लाई करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो इस तरह से अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने के मामले पर कार्रवाई तेज हो गई है। देश और दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।